आई एम आकाश अंबानी हार्दिक द ऑलराउंडर पांड्या आई एम ऋषभ शेट्टी हार्दिक पांड्या हार्ड हिटिंग पांड्या हार्दिक द ऑलराउंडर पांड्या। ये साल भारत के लिए उम्मीदों और उड़ान का साल था। आज बात उन 10 चेहरों की जिन्होंने 2022 में खूब सुर्खियां बटोरी। पेड़ों के साथ साथ तुम्हारा रेप्यूटेशन भी कम हो रहा है और उम्मीद है ये चेहरे आने वाले साल में भी चर्चा में रहेंगे। लिस्ट पर पहले नंबर पर है आकाश अंबानी। 2022 में टाइम्स मैगजीन ने आकाश अंबानी को दुनिया के 100 इमर्जिंग लीडर्स में चुना। इस लिस्ट में वो इकलौते भारतीय थे। 31 साल के आकाश की अभी नेटवर्थ करीब 3 लाख करोड़ है। लिस्ट पर दूसरे पायदान पर है ऋषभ शेट्टी। कांतारा के राइटर डायरेक्टर और एक्टर महज 16 करोड़ से बनी इस फिल्म ने दुनिया में करीब 415 करोड़ की कमाई की। ऑस्कर 2023 के लिए आरआरआर के साथ कांतारा का भी नॉमिनेशन भेजा गया है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे पावरफुल 100 महिलाओं के लिस्ट में नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर शामिल हैं। वो देश की 5वीं सबसे अमीर महिला है। फाल्गुनी की नेटवर्थ 18,000 करोड़ है। 31 साल की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार आज T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। रनों के मामले में विराट कोहली, रोहित शर्मा या केएल राहुल सभी को पीछे छोड़ दिया है। सूर्य कुमार ने इस साल 7 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन और 68 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी सूर्या के नाम है। अब इस लिस्ट में है हार्दिक पांड्या। जितने क्रिकेट की वजह से ये चर्चा में रहे उतने ही अपनी स्टाइल और विवादों की वजह से। आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेलने वाले हार्दिक पांड्या को टीम ने रिटेन नहीं किया। वो नई टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान बने और कप्तान बनते ही टीम को पहली बार चैंपियन बना दिया। महज 21 साल की उम्र में इंस्टाग्राम में अवनीत के 32.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स के मामले में अवनीत ने शिल्पा शेट्टी, यामी गौतम, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन जैसे स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। तजाकिस्तान के 19 साल के अब्दू रोजिक दुनिया के सबसे कम हाइट वाले सिंगर हैं। सिर्फ 3 फीट 2 इंच वाले हाइट अब्दू रोजिक सिंगर के साथ साथ ब्लॉगर, म्यूजिशियन और बॉक्सर भी हैं। वो हाल ही में टीवी शो बिग बॉस में नजर आए और उन्होंने सबका दिल जीता। इसरो साइंटिस्ट रहे पवन कुमार चन्ना की कंपनी ने पहली बार प्राइवेट स्पेस कंपनी का बनाया रॉकेट लॉन्च किया। पवन कुमार को 2020 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में जगह मिली। उनका स्टार्टअप पहला है जिसने देश की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए अग्रीमेंट किया है। कभी क्रिकेटर रहे तेजस्वी राजनीति को भी T20 की तरह खेल रहे हैं। वो बिहार में खासतौर पर युवाओं में पॉपुलर हैं। 26 साल की उम्र में पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम बने और 2022 में नीतीश सरकार में दोबारा यही पद संभाल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति 44 साल के वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की रूस के साथ जंग में बहादुर लीडर बनके उभरे हैं। टाइम्स मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है।